सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने इंडियन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम आपको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाएंगे। जो भाई इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं उनके लिए तो पुरानी है, लेकिन जिन्होंने इसके बारे में नहीं पता उनके लिए नई टेक्नोलॉजी है। ये है बर्मा सिस्टम वाला ट्यूबवेल। इसके अंदर जब आप ट्यूबवेल लगाते हो तो एक बर्मा डाला जाता है लोरिंग के अंदर, और उस पर जो है पानी लपेटे ले गए और ऊपर आ जाता है, और इसको जो है ट्रैक्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है। बहुत सारे किसान भाई जो है इसके ऊपर जुगाड़ बना गए और पीटीओ राउंड से भी इसको चला देते हैं, जैसे रोटावेटर आप या थ्रेसर वगैरह चलाते हो, स्टार रेपर चलाते हो, लेकिन नॉर्मल जुगाड़ जो इसके आए थे पहले पट्टे के आए थे, जैसे भी ये चला रहे हैं। और ट्रैक्टर जो इसको पुले के द्वारा, इसको पट्टे के द्वारा इसको घुमाएगा, और जैसे बर्मा घूमेगा तो पानी आएगा। इसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितने ट्रैक्टर के राउंड बढ़ाओगे उतना पानी बढ़ जाए, जितने घटाओगे उतना घट पानी घट जाओगा। इस ट्यूबवेल की दूसरी खासियत है भाइयों कि इसमें ट्यूबवेल पानी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये जो है पूरा चोई में टिक जाकर नीचे बिल्कुल गहराई में। जो नॉर्मल ट्यूबवेल होते हैं, जैसे इंजन लगा दिया आपने या समरसीबल लगा रखा है, उसमें जो है मोटर पानी तोड़ लेती है, यो बल्कि जबकि चोई में जाकर टिकेगा नीचे। कितनी रेस पर चला हुआ? पांच की बे नॉर्मल चल लगा, मतलब ले भाई ईट टाइट कर दी, ने पट्टा टाइट हो गया, ईट फंसाई पीछे, और ये ट्रैक्टर ने जो है ट्यूबवेल को चलाना स्टार्ट कर दिया, और ये देखो पानी भी आ गया है। मतलब बहुत ही सरल और सादा सिस्टम है। इसके जो है आप लोग इंजन के द्वारा भी ऑपरेट कर सकते हो, ट्रैक्टर के द्वारा भी। चलो किसान भाई से इसके बारे में थोड़ी सी राय जानते हैं। आपको पहले एक बार ट्रैक्टर के आरपीएम दिखा दें मैं। ये देखियो ट्रैक्टर का साउंड सुन सकते हो आप, बिल्कुल जो ट्रैक्टर का साउंड आराम आराम तो आ रहा है, बंद होने पा जाया करें। और दिखाते मीटर चालू है, छोड़ दे। मतलब जो है बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहा है ट्रैक्टर। यो ट्यूबवेल कितने साल पुराना आपका जी? नुंगना जो ट्यूबवेल कितने साल पुराना है? 3 साल पुराना। आप अपना नाम और एड्रेस और बता दो जी। रोहतास भाई। रोहतास का नाम है? रोहतास नाम है, बाबू का नाम राजपाल है, सादीपुर गांव है। सादीपुर गांव, रोहतास राजपाल का सादीपुर गांव जुलाना। जुलाना 3 साल पहले लगवा था जब, तो इसमें कितना खर्चा आ जाए लगवाने में ट्यूबवेल में? 60,000 रुपये। और कितनी गहराई पाई ट्यूबवेल की? 70 फुट पे है। ये देखो दोस्तों, जिन एरिया में जो भाई समरसीबल लग गए हैं इतने रुपया में, दोनों मानो 25 की मोटर लामना लग गया है जागन है, लगभग 60-65 हज़ार रुपये की तो मोटर आ जाए। 4 इंच का प्रेशर है, दिखा भी देते हैं। अच्छा, इसमें भी कोई कंपनी हो जो हिंदुस्तान का है? तो ये आप देख सको भाइयों, इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे 1500 RPM स्पीड होनी चाहिए इसकी कम से कम, और सारे इसके ऊपर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो किसान भाइयों को पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बड़े ऐसे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स और उसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।